या तीन से डीलिंग रूम चेक और 3:10 पर BTST और STBT कॉल्स। तो शुरुआत करेंगे, फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की आपकी सबसे बड़ी ट्रेड क्या होगी, बाय या सेल? बाय होगी एमएसजी में। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन, और बाय कंडीशन है और वो है LNT। नाउ LNT अब दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं 3390 रुपए। LNT का बहुत बढ़िया बेस बना था, एक ब्रेकआउट चाहिए था और आज ही ब्रेकआउट मिला है 3330 के आसपास और अब ट्रेड कर रहा है 3350 या 3355 का स्टॉप लगाकर चले, 3360 लगाना चाहिए स्टॉप, कोई बात नहीं, टाइट है, अब मूव मिलना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 3450, फिर आते दिन में 3500 भी देखें। बेस बहुत बढ़िया है, अच्छा बाय सिग्नल मिला है LNT में। ओके, तो बेस अच्छा है, एक मौका तेजी का साफ बनता हुआ 3450 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्चना जी, तो देखिए SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी, एक बड़ा ब्रेकआउट है, काफी समय से हम देख रहे थे कि 1480 1490 की रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली SBI लाइफ ने आज ये रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे SBI लाइफ में। 1489 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1550 के टारगेट सेट करने हैं SBI लाइफ में। ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहें तो 1510 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 55 रुपए के टारगेट पॉसिबल है। ओके, SBI लाइफ, अभी तो जो समरी में जिक्र कर रहा था स्टॉक्स की, जिसमें LNT पहला था और SBI दूसरा था, और देखिए दोनों स्टॉक्स यहां पे आ गए, प्राइस पैटर्न बहुत शानदार है यहां पे। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून, तो मेरे रडार पे है ACC, इनफैक्ट ये स्टॉक जो है इनिशियल टिक से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, अपने एक 4-5 दिनों के जो एक नैरो कंसोलिडेशन बैंड से निकलते हुए नज़र आ रहा है, अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐड हुई है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे नज़र है खरीदारी की राय रहेगी 2830 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 2670 के एक स्टॉप के साथ। कौन सा स्टॉप था इस समय ACC पर व्यू शिवांगी की तरफ से? चलिए अब सुदीप को जोड़ लेते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, सुदीप आपकी ट्रेड? अनुज, मेरा पहला ट्रेड है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में नजर आ रहा है और साथ ही साथ स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डेली वीकली मंथली चार्ट सारे स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ आज हमने ओपन इंटरेस्ट पे भी एडिशन देखा है और लगातार दिन भर हमने ये स्टॉक में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई देखी है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है 3050 के स्टॉप लॉस से 3180 का टारगेट अगले 2 सेशन में आ सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। अगर ये स्टॉक को ध्यान से देखें तो 6-7 दिन का एक कंसोलिडेशन हमने देखा था 900 और 965 के बीच में, आज ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है और डेली वीकली मंथली सभी जो चार्ट्स की ट्रेजेक्टरी है वो अप ट्रेंडिंग है, तो जो हिसाब से ओपन इंटरेस्ट में भी आज इजाफा आया है मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉनकॉर में एक बड़ा सा ब्रेकआउट है, इसे हमें चेस करके 960 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए और 1020 से लेके 1040 के टारगेट हमें ऊपर के स्तर पे देखने मिल सकते हैं अगले 2-3 सत्रों में। ओके, कॉनकॉर और हैल, और हैल से जुड़ी हुई खबर भी आपको दिखाएंगे जो आप सीधे स्क्रीन पर फ्लैशेस देख रहे हैं कि आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें कुछ और विमान खरीद की मंजूरी मिलती हुई मैरिटाइम सर्वेलेंस के लिए, इसमें डोनिया एयरक्राफ्ट की बात तो पहले भी निकल कर आ रही थी, 9 मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, वो अप्रूवल मिल चुका है, तो ये हाल का स्टॉक वैसे भी रेडार पर रहेगा। इस खबर को ऑफकोर्स डिटेल में समझेंगे जब लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही मिनटों में। जतिन, तब तक के लिए आपका ट्रेड बताइए, क्या आइडेंटिफाई किया, क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, तो जो हमारा ट्रेड रहेगा वो लॉन्ग साइड पे रहेगा, चोला फाइनेंस में हमारा लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा। डेली चार्ट्स के ऊपर एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, हम एक रिट्रेसमेंट के लिए खेल रहे हैं, तो हमें लगता है कि 1124 के एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है, हमारे टारगेट्स रहेंगे 1185 के। चलिए अब एक यहाँ पे फंडामेंटल कॉल जोड़ते हैं और उसके बाद कुछ सेक्टर से बातचीत करेंगे। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, आज की आपकी कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, अनुज जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। सही कहा आपने, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, हालांकि पिछले हफ्ते थे नहीं। एनीवेज, तो जहां तक कॉल की बात है,
मैं आदित्य बिरला कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। ये बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो उनकी जो सब्सिडरीज है उसमें मेजोरिटी स्टेक होल्ड करती है, फिर वो चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो, एएमसी हो, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सारों में उनका अच्छा होल्डिंग है और सारे ही कारोबार बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। खास करके अगर आप देखें तो लेंडिंग बिजनेस को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और तीसरी तिमाही की जो शानदार नतीजे आए, इन सब चीजों के बीच हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है। फोकस इनका पूरा तरीका से डिजिटलाइजेशन और एएमसी बिजनेस को बढ़ाने में। बहुत छोटी अवधि की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 210 के टारगेट हो सकते हैं, बट मैं कहूंगा इसे कम से कम दो क्वार्टर रखा जाए तो 240-250 के टारगेट आ सकते हैं। ओके, 240-250 के टारगेट आ सकते हैं, ये भी कैपिटल में। मीनवाइल वो खबर जो लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी अब वो ऑफिशियल हुई सीएनबीसी आवाज की खबर पर।